इस बीच बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां सीएम बनने के बाद एक्शन मोड में हेमंत सोरेन नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, सितंबर तक पूरी करी 30,000 पदों पर बहाली प्रक्रिया, या बड़ा बयान दिया है हेमंत सोरेन ने। उन्होंने कहा कि पुलिस अफसर लगाएं जनता दरबार, 5,000 पुलिस जवानों की जल्द हो बहाली। सीएम हेमंत सोरेन का यह बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने समीक्षा बैठक किया और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। झारखंड में कुछ महीने के बाद विधानसभा चुनाव होना है और लिहाजा हेमंत सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वैसी सभी नियुक्तियां जो प्रक्रिया दी है उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करें। सरकारी कार्यालयों में मानव संसाधन का अभाव होने से विभागीय कार्य क्षमता के साथ साथ सरकार की ओर से जनहित योजनाओं परियोजनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। सभी नियुक्तियां निर्धारित समय सीमा से पूरी की जाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि सितंबर महीने के अंत तक राज्य के सरकारी विभागों में लगभग 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य है। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 5,000 पुलिस और 583 उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रियाओं में भी तेजी लाने का निर्देश दिया है। और बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि 583 उत्पाद सिपाही की दौड़ प्रक्रिया जुलाई महीने 2024 के अंत तक और 5,000 पुलिस बहाली की दौड़ प्रक्रिया 15 अगस्त 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेरम टोली से निकॉम चौक तक बनाए जा रहे फ्लाईओवर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करें। वहीं निर्माण कार्य में अगर कोई भी बाधा पहुंच रही है तो उसका जल्द समाधान निकालकर कार्य की गति में तेजी लाए। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य भी जल्द पूरा करें।